మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, बाय बाय एडवांस लर्निंग. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है. देखिए, हमारी अगर सबको आपको समझना है तो हमारे वीडियो आप ज़रूर सीरीज से देखिए, क्रम से देखेंगे तो आपको हर तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा. और यहाँ हम बता रहे हैं आपको, देखिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको बच्चे केवल याद कर लेते हैं, केवल नाम से जानते हैं, ठीक है, उनका डिफिनीशन नहीं मालूम रहता है. लेकिन यहाँ हम हर चीज़ का बिल्कुल क्लियरिफाई करेंगे, पूरा अच्छा अच्छा डिफिनीशन उनका रियल में सेंस क्या है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में उसको मैं बताऊंगा, ठीक है. तो यहाँ देखिए, हमारे वीडियो सीरीज में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलने वाली है. जैसे आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ डिफिनीशन डीसी सर्किट में सब रट लेता है, लेकिन नहीं है. हाँ, आपको बताया जाएगा कि एसी के लिए यूजफुल है कि नहीं है, एसी के लिए कहाँ तक यूजफुल है, किस किस एलिमेंट के लिए यूजफुल है, किसके लिए नहीं है, अच्छे तरीके से आपको. जैसे लिम्प्ड पैरामीटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है, यूनिलैटरल एलिमेंट होते हैं, बाइलैटरल एलिमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताई जाएंगी. इसमें क्या रिलेशन होता है, लीनियर एलिमेंट नॉन लीनियर एलिमेंट इसमें क्या होता है, पूरा डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा. इसलिए हमारे वीडियोज़ की सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे. ये ना कि एक ही सब्जेक्ट है जो चल रहा है. आपको सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट पॉसिबल है सारे सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे, ताकि कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन छूटा ना पावे. तो यहाँ देखिए, हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करने वाले हैं. हमने इस चीज़ को पहले से लिख दिया है ताकि इस लिखने में टाइम ना लगे. देखिए, हम आपको साधारण तरीके से समझा रहे हैं. ऐसे मान लीजिए कि बल्ब है, बल्ब प्रकाश देता है, तो मतलब बल्ब प्रकाश देता है यानी कि वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अन्य एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. अगर हीट उसमें उत्पन्न हो रहा है तो हीट एनर्जी में, लाइट दे रहा है तो किसमें, लाइट एनर्जी में. अगर टीवी है तो वो थोड़ा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, थोड़ा वो किसमें, लाइट एनर्जी में, और थोड़ा वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना है. यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में. किसके द्वारा, किसी डिवाइस के द्वारा. तो ये जो डिवाइस है, जो युक्ति है, या जिस रेट पर, जिस दर पर यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसी दर को ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं. क्या कहते हैं, पावर कहते हैं. जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है और उस बल्ब की 60 वाट है उसकी रेटिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बल्ब डिवाइस है, युक्ति जो है, वो एक सेकेंड में 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी के दूसरे फॉर्म, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है ना. मतलब आपका जो पावर है, पावर इज नथिंग सिंपली ए रेट. पावर क्या है, एक रेट है, एक दर है, जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी के दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है. यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, इसको आप देख लीजिए. पावर का फार्मूला पी बराबर होता क्या है, वोल्टेज इंटू करेंट. तो वी आई, आई के जगह पे वी अपान आर रखेंगे तो वी स्क्वायर आर हो जाएगा. वी के जगह पे आई इंटू आर रखेंगे तो वाई स्क्वायर आर हो जाएगा. वी के जगह पे डब्ल्यू अपान क्यू रखेंगे, डब्ल्यू आई अपान क्यू हो जाएगा. तो ये है पावर. ये जो सारा फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों, वो एक्टिव पावर का फार्मूला है. किस पावर का फार्मूला है, एक्टिव पावर का. क्योंकि ये जो पावर हैं, ये सर्किट में क्या उत्पन्न करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं. और जिस पावर से हीट उत्पन्न होता हो, उसी पावर को हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं. क्या कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं. इसका यूनिट वाट या मेगा वाट होता है या किलो वाट होता है. ठीक है ना. ये कौन सा पावर है, एक्टिव पावर है. एक्टिव पावर हमेशा रेसिस्टर में, किसमें, रेसिस्टर में कंज्यूम होता है. किसमें कंज्यूम होता है एक्टिव पावर, रेसिस्टर में कंज्यूम होता है. दूसरा पावर है रिएक्टिव पावर. देखिए, ईआईएम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम बताएंगे इनका अच्छे तरीके से. एक्टिव पावर का फार्मूला क्या है, रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या है, वाट मीटर के द्वारा कैसे हम मेजर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से इन यहाँ वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं. देखिए, रिएक्टिव पावर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर जिस पावर को कंज्यूम करते हैं
उसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। हमारी बात ध्यान समझिए, इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों में से कोई जिस पावर को कंज्यूम करते हैं उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। मतलब स्टोरेज एलिमेंट जिस पावर को कंज्यूम करते हैं उसको रिएक्टिव पावर कहते हैं, और रेसिस्टिव एलिमेंट जैसे फिलामेंट लैंप हो गया, ये आपका रेसिस्टर हो गया, ये जिस पावर को कंज्यूम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं। तो रिएक्टिव पावर का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, यूनिट हो गए। तो यहाँ पे आपका समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इसी तरह से जैसे फार्मूला इसका बना उसी तरह से फार्मूला इसका भी बनता है। मान लीजिए कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर केस में रिएक्टिव पावर का फार्मूला जैसे यहाँ वी स्क्वायर अपन आर होता है, तो कैपेसिटर का जो रेसिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्स सी कहते हैं। कैपेसिटर को जब आप किसी सर्किट में लगा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वोल्टेज परिवर्तन का अपोज करेगा। ये भाई क्यों अपोज करेगा, क्यों वोल्टेज परिवर्तन का अपोज करता है? यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मतलब एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट निगेटिव है, जिस पर पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और जब फिर चार्ज आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज फिर जब आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब चार्ज बढ़ने का अपोज करेगा। जब चार्ज ठीक से बढ़ेगा नहीं तो इसका मतलब वोल्टेज में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, यानी कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज परिवर्तन का अपोज करता है। उसी तरह से इंडक्टर, इंडक्टर है ये, इस इंडक्टर में जब करेंट फ्लो होगा एसी करेंट, तो होगा क्या, करेंट चूंकि लगातार परिवर्तित होता रहता है, जब कुंडली से करेंट लगातार परिवर्तित होगा, जो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा वो भी लगातार क्या होगा, परिवर्तित होगा, इसमें एक तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। उस ईएमएफ सदैव उसी कारक का विरोध करेगा जिससे वो उत्पन्न होगा अकॉर्डिंग टू लेंज ला, तो ईएमएफ इसके परिवर्तन का क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है। इसलिए इंडक्टर धारा परिवर्तन का विरोध करता है, कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो देखिए यह अधिकतम यह वोल्टेज परिवर्तन का विरोध बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल कंडेंसर है, प्रैक्टिकल कैपेसिटर है, व्यवहारिक जिसका हम यूज करते हैं, तो वह कुछ मात्रा में धारा के प्रवाह का भी विरोध करता है। उसी विरोध को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्ससी कहते हैं। तो जो काम रेसिस्टर में आर का है वो काम कैपेसिटर में एक्ससी का है, इसलिए यहाँ वी स्क्वायर अपन आर हो गया, तो यहाँ वी स्क्वायर अपन एक्ससी हो गया। इंडक्टर धारा परिवर्तन का विरोध बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, जिसका हम यूज करते हैं, तो वह कुछ मात्रा में उस धारा के प्रवाह का भी विरोध करता है, उसी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कहते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रतिरोध है, इसका भी मात्रक ओम ही होता है, इसलिए आर के जगह पे इसको हमने यूज कर दिया। तो रिएक्टिव पावर के क्या हो गए, सारे रिएक्टिव पावर के क्या हो गए, फार्मूले हो गए, ठीक है ना। अगर आइडियल कंडेंसर है, आइडियल है तो उसमें प्रतिरोध होगा ही नहीं, क्योंकि जब पूरा आइडियल है तो पूरा का पूरा काम वो परिवर्तन चेंजिंग, जो वोल्टेज चेंजिंग का अपोज करने में ही ख़त्म कर देगा। मतलब उसका काम क्या होगा, केवल और केवल वोल्टेज में परिवर्तन का अपोज करना, विरोध करना, ठीक है। इंडक्टर क्या काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेंट चेंज का अपोज करेगा, धारा परिवर्तन का क्या करेगा, पूरा अपोज ही करेगा, रेसिस्टेंस का मतलब ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आइडियल कंडेंसर ना आइडियल इंडक्टर हमको मिलेगा नहीं, प्रैक्टिकल ही मिलेगा, व्यवहारिक, जिसमें कुछ मात्रा में रेसिस्टेंस भी होता है, उसी को एक्ससी और एक्सएल कहते हैं, ठीक है। अब सीधे सीधे कहिए, इंडक्टर के प्रतिरोध को एक्सएल और कैपेसिटर के प्रतिरोध को एक्ससी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रतिरोध को ही प्रतिरोध के जगह पे पुट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर, ये एक प्रकार का इमेजिनरी पावर होता है, काल्पनिक शक्ति। इंडक्टर पॉजिटिव साइकिल में पावर लेता है, नेगेटिव साइकिल में सोर्स को वापस कर देता है, तो काल्पनिक ही तो हुआ, ठीक है। तो इस तरह का जो पावर है वो कौन सा पावर कहलाता है, रिएक्टिव पावर कहलाता है, एक तरह का इमेजिनरी पावर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको लगता है कि पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पावर कुछ नहीं है, एक प्रकार का दर है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं
अब यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफिनेशन हम अच्छे तरीके से आपको समझने एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ दोस्तों, अब देखिए वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जब किसी सर्किट में हम वर्क करते हैं, जैसे आपके घर में वायरिंग ही ले लीजिए, उसमें क्या है, बल्ब लगा होता है, टीवी लगा होता है, फैन लगा होता है, जब सब चीज़ हम ऑपरेट करते हैं तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें हरासमेंट होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चार्ज के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हरासमेंट होता है। जब चार्ज काम करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है उनके एनर्जी में हरासमेंट होगा। जब आप खा पी के सो जाएंगे तो आपके एनर्जी में बहुत कम हरासमेंट होगा, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपके एनर्जी में ज़्यादा हरासमेंट होगा। तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं उस हरासमेंट को, जाके फिर खाना खाने लगते हैं। उसी तरह से सर्किट में जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, जब उसकी एनर्जी ह्रास हो जाती है, उसके एनर्जी में कमी आ जाती है, तो उसके एनर्जी को प्रतिपूर्ति करता कौन है, उसके एनर्जी को पुनः सप्लाई देता कौन है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज के इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी के हरासमेंट को मेंटेन करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे EMF पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा कि जो बैटरी का EMF होता है वही इस प्लस और इस माइनस को बनाए रखता है। जब वो EMF धीरे धीरे कम होता जाता है और ख़त्म हो जाता है तो दोनों पोटेंशियल लगभग सेम हो जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाता है, तो आप कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ठीक है ना। इसीलिए जिस तरह से EMF इनको मेंटेन करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वह इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को मेंटेन की रहती है। समझ में आई बात हमारी? तो अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए बल्ब है, जल रहा है, बल्ब जो है जल रहा है, अब कितने समय तक वो जलेगा, जब वो समय उसमें इंक्लूड कर देंगे तो उस बल्ब का जो अब रेट होगा, समय के साथ जो रेट होगा, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं बल्ब 60 वाट का है, इसका मतलब एक सेकंड में वह 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वह हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब यह कितने समय के लिए करेगा, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम इसमें इंक्लूड कर देंगे तब उसका यही रेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाने लगता है, ठीक है। यानी कि जब पावर में हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें मिलता है वही क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है, ठीक है। यानी कि जितना फार्मूला पावर का आप पढ़े हैं, VIT हो जाएगा, I²RT हो जाएगा, और क्या होगा आपका, V²/RT हो जाएगा, ठीक है। जो भी फार्मूला पढ़ें उसमें टाइम को क्या कर दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए, तब आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पावर का मात्रक वाट, टाइम का हावर, इसकी यूनिट क्या होगा, वाट हावर। अगर इसको किलोवाट में लेंगे तो किलोवाट हावर होगा, मेगावाट में लेंगे तो मेगावाट हावर होगा। क्योंकि हम घरों में जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वह एनर्जी किलोवाट हावर में होती है, किसमें होती है, किलोवाट आवर में होती है। इसी को हम बोलते हैं एक यूनिट, क्या बोलते हैं, एक यूनिट। चूँकि कमर्शियल में इस यूनिट का हम यूज करते हैं, वाणिज्यिक क्षेत्र में इसी से इनकम होता है गवर्नमेंट को, तो इसीलिए इस यूनिट को हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट कहते हैं, AKWH, यही होता है एक यूनिट, क्या होता है, एक यूनिट होता है, ठीक है। हम एनर्जी मीटर पर इस पर हम बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन जब हम EMI पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 kWh को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, 1 kWh जूल में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए हम इसको तो देखिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि आपका 1 W में कितना जूल होता है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे रिकवर करेंगे,
ठीक है, इतना तो आप जान ही गए हैं, एक यूनिट में एक के डब्ल्यू एच होता है, आप इसको एक यूनिट लिख दीजिए, एक के डब्ल्यू एच। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक के डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं 1000 वाट गुणे 1 घंटा 1 आवर। इतना तो समझ लेंगे ना, इसका मतलब क्या है घंटा है और इसका मतलब क्या है वाट है, ठीक है। तो अब यहाँ 1000 वाट हो गया, इस वाट को हम लिखना चाहें तो जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं, एक सेकंड में कितना जूल, यही तो वाट बताता है, यही रेट ही तो बता रहा है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, तो आप डब्ल्यू की जगह पर जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। और एक हावर में सेकंड अगर लिखें तो एक हावर में कितने सेकंड होते हैं, एक हावर में होता है 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ आपका सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तब तो आपको क्या मिला, 1000 जूल, 1000 × 3600 जूल, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 × 10⁵ जूल हो गया। तो आप इसको अगर पॉइंट को आगे करें तो 3.6 × 6 जूल हो जाएगा, तो ये कि यूनिट में इतना जूल होता है, ठीक है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, इसको वेरिफिकेशन के द्वारा हमने आपको बताया ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रटना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी अच्छी तरीके से बता दिया, ठीक है। हाँ बच्चों, देखिए इस वीडियो में 2 लेक्चर बाकी है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसको हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। कंडक्टेंस को हम हिंदी में चालकत्व कहते हैं, कंडक्टिविटी को हिंदी में हम चालकता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इस रेसिस्टेंस के बावजूद भी अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर में इस धारा के विरोध करने के बजाय इस धारा के प्रवाह में भी सहायक है, मतलब इस कंडक्टर के अंदर विरोध करने के साथ साथ इस धारा के प्रवाह में सहायक भी गुण है, यानी कि इस कंडक्टर में दोनों प्रकार का गुण है, एक विरोध करने का और एक सहायता करने का, दोनों गुण है। जिस पदार्थ में सहायता करने का गुण ज़्यादा होता है उसको कंडक्टिव मटेरियल कहते हैं, और जिस पदार्थ में विरोध करने का गुण ज़्यादा होता है उसको रेसिस्टिव मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ कंडक्टिव मटेरियल आपका एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, रेसिस्टिव तो बहुत सारे आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ कंडक्टेंस देखे, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस वह गुण है जिससे कंडक्टर में कोई करंट आसानी से क्या होती है, फ्लो होती है। कंडक्टर का वह गुण जिससे उसके अंदर करंट फ्लो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर भी यही काम है, कैपेसिटर थोड़े मात्रा में धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर एक गुण और भी है जिससे करंट उसके से होकर फ्लो भी हो जा रही है, इसका मतलब करंट के प्रवाह में सहायता करने वाला भी एक गुण कैपेसिटर के अंदर विद्यमान है, उसके उस गुण को हम कैपेसिटिव ससेप्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसके गुण को, कैपेसिटिव ससेप्टेंस कहते हैं। इंडक्टर में भी यही है, उसमें धारा का विरोध कुछ मात्रा में तो करता है, फिर भी करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर एक गुण और भी है जो धारा के प्रवाह में सहायता कर रहा है, करंट के फ्लो में एक तरह का हेल्प कर रहा है, तो उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव ससेप्टेंस कहते हैं। सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ अभी हम देखते हैं। तो यानी कि जो आपका कंडक्टेंस हो है वो क्या है, रेसिस्टेंस का अपोजिट है, मतलब रेसिस्टर का अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका मात्रक ओम होता है, सभी लोग जानते हैं
किसका, आर का, जी का ना समझ लीजिएगा। तो जब इसको हम पलटेंगे तो क्या होगा, एम एच ओ, मतलब क्या हो गया, महो। तो इस तरह से जो आपका कंडक्टेंस होता है उसका मात्रक क्या होता है, आपका महो होता है। क्या होता है, महो होता है, या महो लिखिए या क्या लिखिए, ओम इनवर्स लिखिए। क्या लिखिए, ओम इनवर्स लिखिए या साइमन लिखिए, ये सब इसके मात्रक हैं, ठीक है ना। मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत बड़ा सर्किट बना दिया, ये सब हमने बताया है, अच्छे तरीके से बताया है, रूल ऑफ सिमेट्री भी बताया है, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। मान लीजिए 10 है, 5 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, यहाँ पे आपने एक ये बी टर्मिनल है, यहाँ पे 20 वोल्ट सप्लाई है। आपसे यह कह दिया, ये बताइए ये सर्किट आपके सामने दिख रही, सर्किट का कंडक्टेंस बताइए। अभी तक तो रेसिस्टेंस का आपने बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर दिया, अब पूछ दिया आप बताइए कंडक्टेंस बताइए, क्या करेंगे कंडक्टेंस में। कंडक्टेंस में आपको क्या करना है, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लीजिए इनके क्रॉस। रेसिस्टेंस जब फाइंड आउट हो जाएगा तो जो भी रेसिस्टेंस, मान लीजिए आर ओम रेसिस्टेंस मिल रहा है, इसी का उल्टा कर दीजिएगा, बस वही आपका क्या होगा, साइमन या महो कंडक्टेंस हो जाएगा सर्किट का, ठीक है। बहुत ही आसान है, जैसे रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से आप फाइंड आउट करिएगा, उसी का उल्टा कर देंगे तो सर्किट का कंडक्टेंस का निर्णय रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसका आपका यूनिट हो गया। अब देखते हैं कंडक्टिविटी के बारे में कि कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है। आप जानते हैं क्या, जी बराबर रो अपान आर, और आर बराबर मैंने बताया था रो एल अपान ए होता है, ए ऊपर चला गया रो एल, ए क्या है, ए कंडक्टर है, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, एल क्या है, लेंथ है, और किस मटेरियल का है ये बताता है, क्या उसकी रेसिस्टिविटी, ये नेचर बताता है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, क्या है, ये नेचर को बताता है, ठीक है। तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं वन अपान रो इंटू ए अपान एल, ठीक है। तो इसको वन अपान रो, यहाँ रेसिस्टिविटी का जो व्युत्क्रम है उसी को हम बोलते हैं सिग्मा, इसी सिग्मा को ही हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि आप जी में यहाँ वन अपान रो के जगह पे क्या लगा सकते हैं, सिग्मा ए अपान ए एल लगा सकते हैं, ठीक है। यही सिग्मा क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। अगर आपको कंडक्टिविटी को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, एक मीटर स्क्वायर इस एरिए को एक मीटर स्क्वायर कर दीजिए, लेंथ को एक मीटर कर दीजिए, तो जी बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा। तो आप कह सकते हैं कि एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र और एक मीटर लंबे कंडक्टर के रेसिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। एक मिनट आप फिर से देखिए, आप इसको सॉरी आप इसको देखिए एक बार, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले और एक मीटर लंबे कंडक्टर के कंडक्टेंस को, जी को, कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर आपको इसका यूनिट निकालना हो तो यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए इस रो की यूनिट आपको निकालनी है, तो क्या होगा ये, जी एल अपान ए बराबर सिग्मा, सिग्मा की यूनिट आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ओम इनवर्स, और इसका क्या होता है, मीटर अपान मीटर स्क्वायर, तो ये कट गया। इसको आप सिग्मा की यूनिट में क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स अपान मीटर या ओम मीटर इनवर्स, दोनों लिख सकते हैं, ओम मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स को ही आप क्या लिख सकते हैं, साइमन, क्या लिख सकते हैं, साइमन अपान मीटर, ठीक है। या ओम इनवर्स को ही हम महो भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, महो भी लिखते हैं, तो महो प्रति मीटर। इतने सारे मात्रक जो है आपके किसके हैं, कंडक्टिविटी के हैं, ठीक है ना। बस रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, यही हमारे कहने का रियल सेंस है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो का सेशन ये ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है।
ओके, धन्यवाद, थैंक यू।